हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम समीर है और मैं आज आपको ई कॉमर्स पे बिजनेस करने के कुछ टिप्स शेयर करूंगा। अगर आप अमेजोन पे या ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म पे सेल करते हो या अपनी खुद की वेबसाइट से सेल करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप न्यू ई कॉमर्स बिजनेस में जुड़ना चाहते हो तो भी ये वीडियो आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं। आपकी वेबसाइट ले लो, अमेजोन ले लो या फ्लिपकार्ट, पेटीएम, कोई भी वेबसाइट ले लो, वहाँ पे कस्टमर इमेजेस खरीदते हैं, कस्टमर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन खरीदते हैं, कस्टमर कभी प्रोडक्ट नहीं खरीदता है। तो आपके पास बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स होने चाहिए और बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अगर आप हमसे सामान खरीदते हो diodep.com से तो आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और इमेजेस बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज मोर ऑफ अ जनरल नॉलेज। आपका ई कॉमर्स बिजनेस में अपना खुद का रजिस्टर्ड ब्रांड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है तो आप किसी रजिस्टर्ड ब्रांड से अपना एक ऑथोराइजेशन लेटर भी ले सकते हो। जी हाँ, कोई अगर आप कोई कंपनी का माल बेच रहे हो तो आप उससे रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट ले सकते हो। अगर आप कोई शॉप से माल खरीद के अगर ऑनलाइन बेचना चाहते हो तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, क्योंकि शॉप के पास अपना खुद का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट नहीं रहेगा। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? तो नंबर वन ये होता है कि अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, आप कुछ भी नाम से अगर अमेजोन पे सेल कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट पब्लिक प्रोडक्ट हो जाएगा। पब्लिक प्रोडक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी आएगा वो प्रोडक्ट को मैप करेगा और खुद से सेल कर पाएगा। और सिमिलरली अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल करते हो तो भैया आप फ्लिपकार्ट पे सेल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि फ्लिपकार्ट विथआउट रजिस्टर्ड ब्रांड आपको सेल ही नहीं करने देगा। या तो आपको बोलेगा खुद का ब्रांड रजिस्टर्ड लेके आओ या फिर कोई रजिस्टर्ड ब्रांड है उससे ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट लेके आ जाओ। अगला पॉइंट है पैसा। आप अमेजोन या ई कॉमर्स में आए हो, किसके लिए आए हो भैया? पैसा बनाने के लिए, राइट? तो आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि मुझे कितने पैसे बनाने हैं। बहुत सारे पैसे बनाओगे तो आपको सेल्स नहीं आएगी, और अगर बहुत कम प्रॉफिट पे काम करोगे तो आप बहुत ही जल्दी बैंकरप्ट होगे। जी हाँ, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर आपको रिटर्न्स भी कंसीडर करना होगा। आपका कितना सेल्स हो रहा है उसके साथ कितना रिटर्न्स आ रहा है वो भी काउंट करना होगा। तो उसके अंदर प्राइमरी चीज़ें ये होती है कि आपका जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है, जो हम अगले पॉइंट में बात करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उसके अलावा आपको ई कॉमर्स में कौन से प्रोडक्ट पे कितना रिटर्न आएगा वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करके पूछ सकते हो, एडवाइस ले सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना रिटर्न आता है, विच प्रोडक्ट इज ड्यूएबल एंड विच प्रोडक्ट इज नॉट ड्यूएबल। अगला पॉइंट है प्रोडक्ट सिलेक्शन। देखिए, आपका जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है वो काफ़ी रिसर्च के बाद होना चाहिए। अगर आपने कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट उठा लिया कि मैं अमेजोन पे बेचूंगा या फ्लिपकार्ट पे बेचूंगा तो नहीं चलेगा। आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं। अगर वो प्रोडक्ट इजीली बिग बाजार में मिल रहा है, डीमार्ट में मिल रहा है, तो आप कभी भी उन लोगों के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, अगर आपका प्रोडक्ट है उसका फोटोग्राफ देख के ही अगर कस्टमर बता देगा कि ये प्रोडक्ट 100 रुपये वाला है तो वो प्रोडक्ट नहीं देखेगा। आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग भी इसी तरह रखना होगा कि कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी लगे, और वैल्यू फॉर मनी तभी लगेगा जब प्रोडक्ट जस्टिफिकेशन दे पा रहा है, जब प्रोडक्ट खुद को एक्सप्लेन कर पा रहा है, जब प्रोडक्ट खुद अपने आप को बेच पा रहा है। सो वी विल हैव टू बी वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट प्रोडक्ट सिलेक्शन। और मैं प्रिसाइजली आपको ये बताऊंगा कि अगर आप अलीबाबा या अली एक्सप्रेस चेक कर सकते हो तो वहाँ से आपको काफ़ी अच्छे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से सेल कर पाओगे। आप चाइनीज़ प्रोडक्ट अगर कोई अलीबाबा पे शॉर्टलिस्ट करते हो तो आप हमारी कंपनी को बोल सकते हो, हम आपको वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करके देंगे और हमारा जो इंपोर्ट प्राइस रहेगा वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेगा। तो अगर आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप अगर किसी और से उसका प्राइस कोटेशन निकालते हो तो उसके बाद एक बार हमारा प्राइस ज़रूर चेक कर लें। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो डेस्कटॉप को लेके है। अगर आप ई कॉमर्स में बिजनेस करते हो तो देर आर हाई चांसेस कि आपका जो मेजोरिटी बिजनेस में अगर लॉस होना है तो वो डेड स्टॉक की वजह से होता है। आपने सुना होगा किसी के बारे में कि ये आदमी ने अमेजोन पे बिजनेस शुरू किया और फिर बंद कर दिया। जब शुरू किया था तब उसके पास 5 लाख रुपए की इन्वेंट्री थी, और जब बंद किया तभी भी 5 लाख की इन्वेंट्री थी। मतलब उसने जो प्रोडक्ट सिलेक्शन किया था वो गलत था। तो डेड स्टॉक क्यों हो सकते हो? तो उसकी दो वजह है। जनरली पहला रीज़न डेड स्टॉक का ये होता है कि आप ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो जिसका ट्रेंड लिमिटेड टाइम तक होता है। जैसे अगर आप टी शर्ट्स बेच रहे हो तो टी शर्ट के अंदर अभी ट्रेंड चल रहा है, अपना टाइम आएगा, पबजी है, ये टी शर्ट्स अभी ट्रेंड में है। अगर आपने इसका स्टॉक कर लिया तो आगे जाके इसका जब ट्रेंड चला जाएगा तो ये टी शर्ट्स आपके लिए डेड स्टॉक हो जाएंगे। दूसरा मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हो वो रहता तो है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन शायद आपकी प्राइस गलत हो या फिर आपका जो प्रोडक्ट का फोटोग्राफी है वो गलत हो,
कुछ भी रीजन की वजह से वो सेल नहीं हो पाता है और तभी भी आपका डेड स्टॉक हो जाता है। तो ये दोनों के लिए कॉमन सोल्यूशन यही रहता है कि पहले अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसका ज्यादा इन्वेंट्री मत लो। स्टार्टिंग में आप ट्राई करो कि मार्केट में जाओ, उसको लिमिटेड क्वांटिटी में सोर्स करो। जब आप लिमिटेड क्वांटिटीज मार्केट प्लेस पे जाओगे खरीदने के लिए, मार्केट से खरीदोगे या होलसेलर से खरीदोगे या मैन्युफैक्चरर से या इंपोर्टर से खरीदोगे, तो लिमिटेड क्वांटिटीज शायद वो आपको सप्लाई नहीं करेगा या उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा होगा। तो हम उसके लिए deodep.com पे एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपको लिमिटेड क्वांटिटीज एट द बेस्ट प्राइस मिलेगी। आप चाहो तो वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो और प्राइस एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप Amazon पे अभी तक सेल नहीं करते हो तो deodep.com आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसके अंदर deodep आपका Amazon पे अकाउंट ओपन करेगा, उसके बाद आपको बाय बॉक्स कैसे विन करना है, स्पॉन्सर एड कैसे रन करना है, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। और बेस्ट चीज़ ये है कि सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको इसके लिए कुछ फीस पे नहीं करना है। Amazon पे आपको जो अकाउंट ओपनिंग से लेके आपको जो ऑर्डर प्रोसेस का सर्विस है, ये सारा ट्रेनिंग deodep.com पे फ्री में दिया जाएगा। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हो या फिर ऊपर दी गई वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हो। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ई कॉमर्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे #deodep करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का जवाब देने की ट्राई करेंगे।